सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट्स का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ जो काफ़ी क्यूट सा है, और ये है JBL बाय हारमन्स का एक स्पीकर जो कि ब्लूटूथ स्पीकर है और काफ़ी सुंदर सा, काफ़ी क्यूट सा है। अब आगे देखेंगे इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, बिल्ड एंड डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे और प्राइस के बारे में भी बात करेंगे। तो गाइज, इसको हम लोग जो है पैकेट से निकाल लेते हैं, और जैसे ही हम लोग पैकेट से इसको निकालते हैं, ये स्पीकर मेरे हाथ में आ गया। और इसको आप देख सकते हैं, इतना छोटा सा है कि ये आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, और मेरे हाथों में आ गया। और ये काफ़ी क्यूट सा है, इसका कलर जो है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि JBL का ब्रांडिंग है, और रेड कलर में ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ग्लॉसी फिनिश में है, काफ़ी अच्छा साइन कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पीछे में जो है एक सिर्फ पावर बटन दिया हुआ है, और एक आप चार्जिंग पोर्ट को देख सकते हैं। अब गाइज़, यहाँ पर आगे की तरफ बात करें तो ये स्पीकर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक मेटल नेट मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है, स्पीकर ख़राब नहीं होंगे। और ये काफ़ी लाइट वेट है, और ये काफ़ी इजी टू कैरी है, आप अपने पॉकेट में ही रखकर इसको ट्रेवल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी भी है, मैं आपको साउंड क्वालिटी टेस्ट करा के दिखाऊंगा। मैं अपने स्मार्टफोन में कनेक्ट करूंगा, और इसका साउंड क्वालिटी को आप सुन के मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका साउंड क्वालिटी आपको कैसा लगा, और लास्ट में बताऊंगा इसका प्राइस। और गाइज, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा, जिसे आप लोगों को देखना ज़रूरी है। अगर हम लोग एक घंटा चार्ज करते हैं इसको, तो ये लगभग 3 से 3.5 घंटे का बैटरी बैकअप देती है, जो एक ट्रेवल के लिए काफ़ी अच्छा है, और आप इससे एक लगभग पूरा फुल मूवी भी देख सकते हैं। तो गाइज, अभी चलिए हम लोग साउंड को टेस्ट करते हैं, उसके बाद इसका आगे में बात करेंगे। तो मैं अपने स्मार्टफोन से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। गाइज, मैंने इसको पेयर कर लिया अपने स्मार्टफोन के साथ। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, एक NCS म्यूजिक प्ले करूँगा। तो गाइस, साउंड क्वालिटी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, इसका बिल्ड एंड डिज़ाइन कैसा लगा। और ये गाइस, 1 से 1.5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाते हैं, और लगभग 3 से 3.5 घंटे का बैटरी बैकअप देते हैं, काफ़ी अच्छा है। अब इसका फाइनली प्राइस के बारे में अगर बात करें तो ये लगभग 550 रुपीज़ का है, लेकिन ये गाइस एक JBL का कॉपी प्रोडक्ट है, ये JBL का ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप JBL के वेबसाइट से इसको परचेज करने जाएंगे तो आपको लगभग ये 3,999 रुपये लगेंगे, और ये एक कॉपी प्रोडक्ट है जो मेरे पास आया हुआ था, और सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूं, इसका क्वालिटी भी आप लोगों को दिखा दूं, और मैं आखिर में ये भी बताऊँ कि ये एक कॉपी प्रोडक्ट है, और मार्केट में आप बच के परचेज़ करें इस तरह का चीज़। अगर आप इस तरह का चीज़ को देखे होंगे कभी इंटरनेट पर, वेब पर, और आप इसको धोखे से परचेज़ करने चले जाएं, और आप लगभग 1,000-2,000 रुपये अगर पे कर देते हैं आप ओरिजिनल JBL समझ के, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स वाली बात हो जाएगी, और पैसा जो है आपको ऑफलाइन मार्केट में रिफंडेबल नहीं होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं आपको जो है अवेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है बाद में धोखा ना खाएँ, और ये JBL का ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है, ये फेक प्रोडक्ट है। लेकिन जिन लोगों को ये लेना है कम पैसे में, अच्छा साउंड क्वालिटी है, 550 रुपये में आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा इस प्रोडक्ट में भी। हालांकि ये कॉपी है, लेकिन इसका साउंड क्वालिटी और बिल्ड एंड डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो इसी प्राइस रेंज में आप परचेज़ कीजिए ऑफलाइन मार्केट में, तो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप JBL का सोच के इसको परचेज़ कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आप ठगा हुआ महसूस कीजिएगा बाद में। तो गाइज़, मेरा मोटिव यही था कि मैं आप लोगों को बताऊं इस प्रोडक्ट के बारे में, कि ये किस तरह का परफॉर्म करती है, और ये किस तरह का इसका बिल्ड एंड डिज़ाइन है, लुक है। उम्मीद करूँगा गाइज, इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन्स मिल गया होगा, और अगर प्रोडक्ट अच्छा लगे तो आप अपने ऑफलाइन मार्केट से इसको परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन में ये आपको नहीं मिल पाएगा। तो उम्मीद करूँगा इस वीडियो का आप काफ़ी इन्जॉय किए हैं, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, मैं वहाँ पर काफ़ी अच्छा पोस्ट करता हूँ, आपके सभी सवाल का, सभी क्वेरीज़ का आंसर देने का कोशिश करूँगा, रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो गाइज़, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी सवाल या सुझाव हो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।